गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड वन भाषा कलर से लेसन नंबर 17 कबूतर और मधुमक्खी की कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे और हमें इसे क्या शिक्षा मिलती है ये भी जानेंगे। तो चलिए पेज नंबर 71, लेसन नंबर 17 कबूतर और मधुमक्खी की कहानी पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे खड़े बहुत बड़े वृक्ष पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया। मधुमक्खियां दिन भर परिश्रम करती थी। वे फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती थी। एक दिन की बात है, एक मधुमक्खी को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। पानी पीते पीते वह पानी के तेज बहाव में बहने लगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कहानी जो है, इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर हैं एक कबूतर और एक मधुमक्खी। तो एक समय की बात है कि नदी के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया था। मधुमक्खियां जो है वो दिन भर परिश्रम करती थी, क्योंकि वे परिश्रम ही है, सो वो परिश्रम करती थी और वे फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती थी। एक दिन मधुमक्खी को बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। पानी पीते पीते वह तेज बहाव में बहने लगी। एक पेड़ की डाल पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। उसने डूबती मधुमक्खी की सहायता के लिए एक पत्ता उसके आगे फेंक दिया। मधुमक्खी पत्ते पर आ गई। पंख सूखते ही वह उड़ी और कबूतर को धन्यवाद दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मधुमक्खी पानी पी रही थी, वो तेज बहाव में पानी के साथ बहने लगी। ये सब एक कबूतर एक बड़े वृक्ष की डाल पे बैठा हुआ देख रहा था। उसे एक आइडिया आया और उसने क्या किया, उसने एक पत्ता तोड़ के नदी पे फेंक दिया। उस पत्ते पे मधुमक्खी बैठ गई। जैसे ही मधुमक्खी बैठी, क्योंकि वो पानी पे गिर गई थी, उसके पंख गीले हो गए और गीले पंखों के द्वारा वो उड़ नहीं सकती, तो वो उस पत्ते पे बैठते बैठे हुए इंतजार की कि उसके पंख सूख जाए। जैसे ही उसके पंख सूखे, वह उड़ी और वो तुरंत समय व्यर्थ ना गवाते हुए उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना साधा। कबूतर उड़ जाना चाहता था, परंतु पेड़ पर मंडराती चील के कारण उड़ नहीं सकी या सका। तभी मधुमक्खी वहां से गुजरी। उसने देखा कि कबूतर के प्राण संकट में हैं। मधुमक्खी ने कबूतर की सहायता करने की सोची। मधुमक्खी ने शिकारी के हाथ पर जोर से डंक मारा। वह हाय हाय करके चिल्लाने लगा। उसका निशाना चूक गया और कबूतर उड़ गया। कबूतर ने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। मधुमक्खी बोली, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शिकारी है और वो निशाना साधे हुए किस पे, कबूतर पे। देखा आपने? तो अब एक दिन उसी जंगल में बहुत दिनों के बाद एक शिकारी आया। देखिए आप, शिकारी शिकारी जो था वो जंगल में आया और उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। देखिए, वो कबूतर पर निशाना साध रहा है। कबूतर उड़ना चाहता था, लेकिन उस पेड़ की इर्द गिर्द मंडराती चील को देखकर वह उड़ नहीं सका। तभी मधुमक्खी जो थी वो वहां से गुजर रही थी। ये देखिए आप, मधुमक्खी वो वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि कबूतर के प्राण संकट में हैं। मधुमक्खी ने कबूतर की सहायता करने की सोची। तभी उसने क्या किया, मधुमक्खी ने शिकारी के हाथ पर जोर से डंक मारा। वो जोर से हाय हाय करके चिल्लाने लग गया। उसका निशाना जो था वो चूक गया, क्योंकि उसने निशाना साधा हुआ था कबूतर पर, और वो निशाना चूक गया और कबूतर मौका देख के वहां से उड़ गया। कबूतर ने भी जाके मधुमक्खी को धन्यवाद दिया,
लेकिन मधुमक्खी ने क्या बोला? मधुमक्खी ने बोला कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है, क्योंकि एक बार तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? इससे हमें शिक्षा मिलता है कि अगर हम दूसरों का अच्छा सोचे तो हमारा भी अच्छा होगा। कर भला तो हो भला। चलिए अब हम कुछ कठिन शब्द को अंडरलाइन करते हैं। छत्ता, परिश्रम, शहद, मधुमक्खी, कबूतर, शिकारी। प्राण, निशाना, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको लेसन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।